हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं विंटर फ्लावर प्लांट की शॉपिंग की हूँ और उनके लिए ये सॉइल तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल वेल्ड्रन सॉइल तैयार कर रही हूँ। तो उनके लिए मैंने लिया है राइस हस्क और वो यहाँ पे देखिए मिट्टी है और मिट्टी मैंने निकाला है अपने पॉट से। इसी मिट्टी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ और ये राइस हस्क है जो लाइट वेट रहेगी। और ये है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है। आप गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं इनकी जगह, तो मेरे पास गाय के गोबर की खाद अभी नहीं है तो मैं वर्मी कंपोस्ट ही ली हूँ। तो बहुत ही लाइट वेट वाली सॉइल तैयार कर रही हूँ मैं। और इस सॉइल को आप हैंगिंग बास्केट में भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट होगी। मैं पहले भी वीडियो शेयर की हूँ और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो भी मैं प्लांट लाई हूँ। तो देखिए यही शॉपिंग है मेरी, मैंने हिबिस्कस लिया है, तीन प्लांट मैंने हिबिस्कस लिया है और ये तोरनिया प्लांट लिया है, डैंथस लिया है और किसी किसी प्लांट का नाम याद है मुझे और किसी किसी प्लांट का नाम याद नहीं है। एक कैलेंडुला है, एक ही मैंने लिया है और ये पता नहीं कौन से प्लांट हैं, इनके लीव्स बहुत ही खूबसूरत है। ये मुझे 10 रुपीज़ का मिला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने ले लिया। छोटे से पॉट में लगे हुए हैं देखिए। और मैंने रोज़ लिया है, ये देखिए बहुत ही प्यारा रोज़ लिया है मैंने। और ये डैंथस टूट गए हैं लाने में, देखिए बहुत ही प्यारा है कलर इनके। और डहलिया लिया है और ये पता नहीं नस्ट्रेशियम है, ये छोटे से छोटा प्लांट लिया है मैंने, नस्ट्रेशियम के दो प्लांट लिया है। तो यही मेरी शॉपिंग है, शॉपिंग वाली वीडियो भी मैं शेयर करूँगी जो मैंने प्लांट दो तीन लिया था उस उनको उनकी प्राइस क्या थी मैं वीडियो शेयर करूँगी। और कलांचो लिया है मैंने, ये देखिए ये पिंक वाली कलांचो है और ये येलो वाले हैं। तो जब मैं ग्रो करूँगी तो सभी का वीडियो शेयर करूँगी और प्राइस भी बता दूँगी। और ये देखिए ये वाइन प्लांट है, इनका नाम मुझे नहीं पता है, उन्होंने बताया ही नहीं नाम, मैंने पूछा था लेकिन उन्हें भी पता नहीं था। इनमें शायद पिंक या फिर रेड कलर के फ्लावर आते हैं। तो बस यही मेरी शॉपिंग है। तो चलिए मैं आपको मिट्टी भी दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत ही पुराने मिट्टी थे, करीब करीब 1-2 साल पुराने मिट्टी थे, मैं रीयूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं यूज़ तो कर रही हूँ, उनमें फर्टिलाइज़र भी अच्छे से मिला रही हूँ देखिए। और एक ही पॉट से मैंने मिट्टी निकाला है और बहुत सारे पॉट में ये मिट्टी काम आ जाएंगे क्योंकि मैंने ज़्यादा राइस हस्क लिया है और साथ में ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो बहुत सारे मिट्टी मेरे तैयार हो जाएंगे, कई सारे पॉट में ये मिट्टी मुझे काम आ जाएंगे। तो आज का वीडियो बस यही है फ्रेंड्स। तो ग्रो करने जो ग्रो करूँगी मैं प्लांट, सभी वीडियो शेयर करूँगी। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्कार।